राम और रावण दो यात्रा है जीवन की। राम जो है वो शांति की यात्रा है। गौर चाहूंगा आप लोगों का, ध्यान चाहूंगा। राम जो है वो शांति की यात्रा है और रावण जो है वो शक्ति की यात्रा है। जो शांति की यात्रा है वो धर्म की यात्रा है, जो शक्ति की यात्रा है वो अहंकार की यात्रा है। अहंकार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती और धर्म की यात्रा को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। धर्म की यात्रा राम की यात्रा है, शांति की यात्रा है। आप सब लोग शांति अगर चाहते हो तो राम का चरित्र पढ़ो, महावीर का चरित्र पढ़ो, पार्श्वनाथ का चरित्र पढ़ो। फर्क है, जो मैं बताना चाह रहा हूं फर्क है। राम की मूर्तियां बनी, राम की मूर्तियां पूजी गई। क्यों? क्योंकि राम शांति चाहते हैं, राम विनम्र हैं, राम झुक करके बात करते हैं, राम अहंकार की बात नहीं करते हैं। आज भारतीय राजनीति में जो दुर्दशा हो रही है, आज भारत के संस्कारों पर जो कुटाराघात हो रहा है, मात्र व्यक्ति अपने अभिमान के कारण ऐसा कर रहा है। रावण ने सत्यानाश कर दिया पूरी लंका का एक अभिमान के कारण, अपना घर फूंक दिया, अपने राज्य व्यवस्था बेकार कर दी, अपने को पूरे जगत में बदनाम कर लिया। रावण के पुतले बनाए जाते हैं, राम की मूर्तियां बनाई जाती हैं। फर्क है, सोचिएगा। राम की मूर्तियां बनाई जाती है, रावण के पुतले जलाए जाते, रावण के पुतले बनते हैं। और दोनों में और एक फर्क है, मूर्तियां पूजी जाती हैं और पुतले फूके जाते हैं। राम की मूर्तियां मंदिरों में पूजी गई क्योंकि राम शांति की यात्रा चाहते हैं, राम शक्ति की यात्रा नहीं चाहते हैं। रावण शक्ति की यात्रा पर बैठा हुआ था। आ रहा है विजयादशमी दशहरा, लोग रावण का पुतला बनाते, अपितु है ये भी गलत कि पुतले जलाने से क्या होगा। पुतले जलाने से, अगर जलाना है तो बुराइयों को जलाओ। रावण के अंदर जो कमी आती, रावण के अंदर जो बुराई आती, रावण के अंदर जो अवगुण थे, उन अवगुणों को जलाने की बात होनी चाहिए। पुतलों को जलाने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मूड, मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएंगे धरती लटके सुंड। अगर कुछ दिया है तो उसके पीछे मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होनी चाहिए। आदमी धन खर्च करता है, प्रतिष्ठा चाहता है, प्रशंसा चाहता है, पदोन्नति चाहता है, महत्वाकांक्षाओं के साथ जीवन जी रहे हैं। मेरा ये हो जाएगा तो ये कर दूंगा, मेरा ऐसा कर दोगे तो ऐसा कर दूंगा। पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा, इन तीनों ने जिंदगी बेकार कर दी। तीन बातें पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा, ये तीनों अभिमान का कारण है, तीनों अभिमान का कारण है।